तो ये हमारी चाय, सुबह की शुरुआत चाय से होती है हमारी। और ये आ चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत दर्शन विद HSB। दोस्तों उत्तराखंड के इन हसीन वादियों से एक बार मेरे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज का डे ब्लॉग जो भी हम आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जो भी वर्क है हम उसको आपको दिखाएंगे कुछ नया। विनोद हमारा सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, अभी बजे हैं सुबह के 7:30, तो स्कूल की तैयारी करेगा और जल्दी उठ गया आज और उठ के एक्सरसाइज कर रहा है अपने। पुशअप लगाते हुए बॉबी सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा है। हमने पहाड़ में धूप आ चुकी और आज एकदम ब्लू स्काई है और बढ़िया धूप आने वाली है। अभी तो बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, अभी धूप आई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ठंड है, लेट आती है, 10 बजे करीब धूप आएगी यहाँ हमारे गांव में। और ये है हमारा पहाड़ी गीजर, पानी गर्म हो रहा है, फिर स्नान करते हैं। अभी पहाड़ी गीजर आप देख सकते हैं। बॉबी स्कूल जाके वापस भी आ गया क्योंकि कोविड की छुट्टी हो चुकी है इनके स्कूल में, तो सुबह सुबह बेचारा तैयार होकर गया था, इसे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं था एक्चुअली। तो अब ये वापस घर आ चुका है। कितने दिन की छुट्टी हुई है वो नहीं अभी नहीं पता, आज की छुट्टी है। और इसके मास्क में आप देखते हो कितनी ठंड है, जमी हुई है एकदम बर्फ मास्क के अंदर, आप देख सकते हैं एकदम बहुत बर्फ जमी हुई है, ये इतनी ठंड है यहाँ पे। तो ये वापस आ चुका है, तो अब हम न्यू ब्लॉग शुरू करेंगे। तो देख ना, विनोद हमारा पुतई को प्यार करते हुए, इसका नाम पुतई है, पुतई मैंने ही रखा था। और ये इसकी मम्मी आ गई, मम्मी इसका नाम कौली है, उसका नाम पुतई। चलो धूप से को धूप। तो दोस्तों ये हमारी नाली है, उसको बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ा सफाई वफाई कर लेते हैं। तो आप देखिए कैसे सफाई होती है यहाँ पे नाली की। शोर शोर से बहुत गंदगी हो रही, इस पानी को आपने साफ कर दिया। बॉबी और मैंने मिलकर इसको साफ कर दिया। तो कुछ लकड़ी अकड़ी लेने के लिए चलते हैं, आओ जलाने के लिए बांस की लकड़ी। ऊपर जाना हाँ, कमर लेके
इधर से आ जाइए, यहाँ से नहीं है रास्ता, इधर से है। उमर बंद कर, ओए नहीं लग गया इसमें, ये बहुत लग जाता है कपड़ों में, चिपक गया पूरा। चलो हो गया बंद, ये है बांस की बहुत प्यारी सी लकड़ी, ये बढ़िया जलेगी अभी। ये बहुत सख्त तैयारी है, नहीं टूटेगा। ये तो सब लग गया मेरे पे देख, ये भी निकालना पड़ेगा इसको, और यहाँ भी लग गए। गीला हो रहा है, चलो आज के लिए बहुत है, ये हो गया बहुत, इसको भी और पतला करेंगे घर जाके। कल आज की है, इसकी बहुत अच्छे कोयले बनते हैं, अब अंधेरा भी हो रहा है, तब तक सगड़ी रेडी करते हैं। पूरा कुंवर लग गए हैं, बहुत मेहनत पड़ेगी। चलो अभी इसको छोटा भी तो करना है। अरे कुमार कुमार लगी ना बस, लकड़ी लेने के लिए तो वहां पर बहुत सारी ये घास होती है और हमारे कपड़ों में जाता है, ऊन कपड़े में एकदम चिपक जाती है। अब इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप देख लो जरा इधर को जूम कर, ये देखो निकाल रहा हूँ मैं इसको, और मेरी ईजा भी निकाली है। ईजा मेरी ईजा है, तो ईजा को पहाड़ी में मम्मी को ईजा बोलते हैं, आपको पता है, तो इसलिए हम ईजा बोलते हैं। हो गया बंद करते हैं। तो ये शाम का जुगाड़ हो रहा है, अभी जैसे ही दिन छुपेगा तो बहुत सर्दी शुरू हो जाएगी, तो इसलिए पहले ही आग उग का अपना इंतजाम करके रखना पड़ता है। भाई पहाड़ है ये पहाड़, यहाँ इतना आसान नहीं है रोटी खाना, भाई बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लकड़ी लाने के लिए। तो अब सगड़ी जला लेते हैं टाइम पे, इसको अभी कोयले बनेंगे, टाइम लगेगा जलने में, तो इसलिए अभी पहले शुरू से जल जाएगा। तो ये था आज का हमारा डेली ब्लॉग, तो आपका पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक।
लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।